हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कैलेंडर का कुछ क्वेश्चन जो एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा कुछ ट्रिक है, इसको हम ध्यान आप ध्यान दीजिएगा। ये जहाँ पर से बाद दिया होगा, से पहले, के बाद और के पहले, जहाँ पर बाद दिया होगा वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें प्लस करना है। और जहाँ पर पहले दिया होगा वहाँ पर क्या करना, हमें माइनस करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि यदि आज मंगलवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसमें पूछा है 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और फिर हम देखते हैं इसका, हमें हमारा जो ट्रिक है, हमें क्या लिखेंगे, 15/7 लिखेंगे। अब इसे हम जब काटेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, ये हमारा दो बार में कट जाएगा और शेष हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा बचेगा 1 बचेगा। फिर हमारा मंगलवार दिया है तो ये क्या हमारा दिया, बाद दिया, तो इसे हमें प्लस करना है, इसमें हमें प्लस करना है। तो ये हम मंगलवार लिख लेंगे, यहाँ पर मंगलवार लिख लें। इसमें प्लस हमें कितना करना, प्लस हमें 1 करना है। जब 1 हम प्लस इसमें करेंगे तो मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार के बाद हमारा बुधवार हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसमें क्या पूछा हमारा, 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा और इसमें दिया है मंगलवार। तो 40 दिन बाद हम वही ट्रिक इसको यूज करेंगे, तो हम 40/7 लिखेंगे और इसे जब हम काटेंगे तो ये हमारा कितने बार में कटेगा, ये हमारा 5 बार में कटेगा। हमारा शेष कितना आएगा, शेष हमारा आएगा 5 आएगा। इसमें क्या दिया, बाद दिया है, तो बाद के लिए तो हमें प्लस करना है। तो जब हम मंगलवार में प्लस करेंगे, मंगलवार यहाँ पर पहले लिख लेंगे, ये हमारा मंगलवार में यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस में कितना करना, 5 करना है, 5 प्लस करेंगे। तो फिर 5 जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा सोमवार हो जाएगा। फिर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है यदि आज शनिवार है तो आज से 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो हमारा क्या पूछा, 60 दिन पहले, इसमें क्या दिया, इसमें हमारा दिया है पहले, दिया है पहले के लिए हमें क्या करना, माइनस करना। तो हम लिखेंगे 60/7 लिखेंगे। अब ये हमारा कितनी बार में कटेगा, ये हमारा कटेगा 8 बार में कटेगा। शेष कितना बचेगा हमारा, शेष हमारा बचेगा 4 बचेगा। तो हम लिख लेंगे पहले शनिवार लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पहले दिया तो हमें करना है माइनस कितना करना, 4 करना है माइनस हमें। जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर मंगलवार हो जाएगा। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि आज बुधवार है तो आज के 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसमें क्या पूछा, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा और इसमें दिया है बुधवार। तो हम 65 लिखेंगे, 65 लिखेंगे, बट्टे में 7 करेंगे। जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा जो है 9 बार में कट जाएगा। शेष कितना बचेगा, शेष हमारा बचेगा 2। अब हमें क्या इसमें दिया, इसमें बाद दिया है, तो बाद के लिए हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हम बुधवार पहले लिखेंगे, बुधवार प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे प्लस। फिर उसके बाद से हम जब इसे प्लस 2 करेंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा हमारा। फिर हम देखेंगे फाइव क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि आज शनिवार हो तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
इसमें हमारा क्या पूछा है, 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम करेंगे 120 बटा 7 करेंगे, ये हमारा कितने बार में कटेगा, ये हमारा जो कटेगा 17 बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा। हमारा शेष कितना बचेगा, शेष हमारा कितने कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें तो बात दिया है, तो बात के लिए हमें प्लस करना है, तो हम पहले लिखेंगे शनिवार, शनिवार लिखेंगे, शनिवार में हमें प्लस करना है कितना, 1 करना है प्लस हमें, तो जब हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हमारा हो, क्या हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ये हमारा रविवार हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।